The hand of our God is for good on all who seek Him. परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है. Ezra 8 अध्याय 22वां वचन कहता है, God's hand is unto good for you today. परमेश्वर का भलाई का हाथ आपके ऊपर है आज. Some people may say everything is bad for me today. हो सकता है कुछ लोग कहें कि मेरे जीवन में सब कुछ बुरा हो रहा है. Market is bad. बाजार जो है गिरा हुआ है. Weather is bad. और हो सकता है कि यह कहें कि मौसम भी खराब है. The relationship is bad. रिश्ते जो है वो खराब है. No, my friend. लेकिन अब दोस्तों, God is good. परमेश्वर भला है. All the time. हमेशा के लिए. And for those who seek the Lord, everything is unto good. और जो परमेश्वर के खोजी हैं, परमेश्वर उनके लिए भलाई करता है. All things work unto good for those who love God. और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है. And also for those who are called according to His purpose. अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं. Romans 8:28 says so. रोमी 8 अध्याय 22 वचन कहता है, As you seek him, जैसे आप उसे ढूंढते हैं, and say, Lord, without you I can do nothing. और आप कहते हैं कि परमेश्वर तेरे बिना मैं इस कार्य को नहीं कर सकता. Help me. मेरी सहायता कर. And secondly, teach me what I should do. और दूसरी बात, मुझे सिखाए कि मैं क्या करूं. And thirdly, give me the power to accomplish your will in everything that I do. और तीसरी बात, मुझे बल दे कि मैं उन हर एक बातों को करने पाऊं जो आप मुझसे करवाना चाहते हैं. And fourthly, let me share your goodness to as many people as possible. और चौथी बात कि मैं आपकी भलाई को हर एक लोगों के साथ बांटने पाऊं. As you seek God in all these four ways, the hand of the Lord will be upon you to do good for you. और जैसे आप इन चार बातों को करते हैं, परमेश्वर का वो भलाई का हाथ आपके ऊपर इसी वक्त आएगा. From today, it shall abound God's blessings in your life. आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष अब से सदैव बने रहेगी. Let not your heart be troubled. आपका हृदय व्याकुल ना हो. Here's a beautiful testimony. यहाँ एक सुंदर गवाही है. A dear sister Radha. एक प्रिय बहन राधा. She was in a family which never knew Jesus. एक ऐसे परिवार में वो थी जो यीशु को कभी नहीं जानते थे. She was in a city called Madurai. मदुरई नाम के एक शहर में थी. Studied in 12th standard. बारहवीं कक्षा में पढ़ाई कर रही थी. At that time she was very sick. और उस समय में वो बहुत बीमार थी. And when she joined the college. और जब कॉलेज में दाखिला लिया. Her weakness increased tremendously. उसकी कमजोरी बहुत आयत के साथ बढ़ गई. She could not do any work. वो कोई भी कार्य नहीं कर पाती थी. And through the television she came to know about Jesus calls at that time. और टीवी प्रोग्राम के माध्यम से वो यीशु बुलाता के बारे में जानने पाई. And she also heard that God was blessing those who joined the young partners plan of Jesus calls. और वो यह भी देखने पाए कि यीशु बुलाता के युवा सहभागी योजना के द्वारा परमेश्वर आशीष दे रहे हैं. She came to the Jesus calls prayer tower. वो यीशु बुलाता प्रार्थना भवन में आई. Became a young partner. युवा सहभागी में जुड़ा. God blessed her in her studies since then. परमेश्वर ने उसकी पढ़ाई को आशीषित किया उस समय के बाद. She joined in the live prayer that I would pray on television. और टीवी पर जब मैं लाइव प्रेयर कर रहा था, उस वक्त भी वो जुड़ी. And her throat pain totally disappeared. और उसके गले का दर्द तुरंत चला गया. All her struggles left her. और सभी उसके संघर्ष चले गए. And God gave her grace to finish her MPhil course. और MPhil की पढ़ाई को पूरी करने में परमेश्वर ने सहायता की. Gave her a job in the auditor's office. और उन्हें नौकरी दी ऑडिटर के कार्यालय में. And every month she is a partner supporting this mission to bless many millions. और प्रत्येक माह वो इस सेविकाई की सहायता करती हैं, जिससे लाखों लोग आशीषित हो पाते हैं. And God gave her a wonderful life partner. और परमेश्वर ने एक अच्छा जीवन साथी भी दिया. And two children. और दो संतान. They are blessed. वो आशीषित हैं. The hand of our God. परमेश्वर का हाथ. Is for good. वह भलाई के लिए है. And all who seek Him. जो कोई उसे ढूंढता है. Shall we pray? आइए प्रार्थना करें. Father. पिता. Bless thy children. अपने बच्चों को आशीष दे. Those who are waiting to go abroad.
जो बाहर देश जाना चाहते हैं, ओपन द डोर फॉर देम लॉर्ड, उनके लिए द्वार को खोलिए परमेश्वर, गिव देम द राइट जॉब्स अब्रॉड इन जीसस नेम, उन्हें सही नौकरी को दे यीशु के नाम में, गिव देम द वीसा लॉर्ड, उन्हें वीजा दे परमेश्वर, प्रसाद, गॉड इज ब्लेसिंग यू विद दिस ग्रेस, परमेश्वर इस अनुग्रह से आपको आशीष दे रहे हैं, यू फील सो वीक इन योर बॉडी इन योर स्पिरिट And you say, I'm not able to go to work. आप अपने शरीर और आत्मा में कमजोरी महसूस करते हैं और कहते हैं कि मैं किसी कार्य में नहीं जा सकता. I rebuke those weaknesses. मैं हर एक उन कमजोरियों को डांटता हूँ. Everyone who is unable to rise up and work or study, I remove the weaknesses which stops them. हर एक उन कमजोरियों को जो पढ़ाई करने से या कार्य करने से रोकती है, मैं उन्हें निकालता हूँ. In Jesus' name. यीशु के नाम में. Every asthma be healed in Jesus' name. एक आस्तमा से चंगाई मिले यीशु के नाम में. Yes, Lord, give them the strength and to be and be healed. परमेश्वर उन्हें बल दे ताकि वे चंगे हो पाएं. The problem in the ear. उनके कानों में समस्या. Jesus heals. यीशु चंगाई दीजिए. Every noise, every voice in the ears of the people, be healed in Jesus name. हर एक वो आवाज, हर एक वो शोर कान में आती है, वो चंगी होने पाए. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु. Give them peace in their mind. उनके मनों में शांति दीजिए. Clarity in their brain. और उनके मस्तिष्क में स्पष्टता दीजिए. Understand. समझ दीजिए. And a clear spirit. और एक स्पष्ट आत्मा दीजिए. To do everything well. ताकि सारे कार्य सुचारू रूप में कर पाए. Honor thy children. अपने बच्चों का आदर करे. Open the doors, Lord. उनके लिए दरवाजों को खोले परमेश्वर. To be taken to higher places. ताकि ऊंचे स्थानों पर जाने पाए. Prosper them in every way. उन्हें हर एक कार्यों में समृद्ध करे. Perfect everything. हर एक बातों को सिद्ध करे. We give you the glory. आपको महिमा देते हैं. As a person who has to complete a book. एक लेखक है जिसे बुक को लिखना बाकी रह गया है. Give them the grace to write the book and publish it and let it be blessed. उन पर अनुग्रह करें ताकि वे उसे लिखने पाए और प्रकाशित करने पाए. In Jesus name. यीशु के नाम में. Amen. Amen. God bless you. परमेश्वर आशीष दे. On Saturday, the November 2nd, we will be there as a family to pray for you at Bethesda Prayer Center. तो नवंबर शनिवार को बेथेस्दा प्रार्थना भवन में हम आपके मध्य में होंगे, एक परिवार के रूप में आपके लिए प्रार्थना करने के लिए. यह मेरी पोती आराधना है और मैं उसे बेथेस्दा ट्रेन में एक सामान की तरह उठा के रख के लेकर आई. यहाँ व्यक्तिगत प्रार्थनाओं के दौरान डॉक्टर पॉल दिनकरन ने उसकी आँखों पे हाथ रखे प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसे छू कर उसे साफ दृष्टि दी. Passing away. पुरानी बातें बीत रही हैं. God is making a new person. परमेश्वर आपको एक नया व्यक्ति बना रहा है. Friends, you will never be shaken. प्रिय मित्रों, आप कभी भी डगमगाएंगे नहीं. Come to this Bethesda blessing meeting. बेथेस्दा आशीष सभा में सहभागी होइए. Let's pray together. आइए मिलकर प्रार्थना करें. Jesus will come. और यीशु आएंगे. And he will make you a new person as we pray together at Bethesda. और वो आपको नया व्यक्ति बनाएंगे जब हम बेथेस्दा में प्रार्थना करेंगे. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. दिनांक शनिवार 2 नवंबर दोपहर 2 बजे, स्थान बेथेस्दा प्रार्थना भवन, करुणिया नगर, कोयम्बटूर. आवास सुविधा और अधिक जानकारी के लिए तुरंत 9487846545 पर संपर्क करें. कोयम्बटूर रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन से कोयम्बटूर करुणिया नगर तक विशेष बस सुविधाएं उपलब्ध है. बेथेस्दा विशेष आशीष सभा में आते हैं, उसका आशीर्वाद और चमत्कार प्राप्त करते हैं और आनंदित होकर घर जाते हैं.